चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो तो आपको स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस आ रहा है ना? ठीक है हाँ सर। चलो डन। सबसे पहले देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है हम लोग को जानना होगा। टू बिकेम फैमिलियर विद द स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन 1947 में इंडिया का इकोनॉमी कैसा था। तुमको पता है ना 1947 के बाद तो इंडिपेंडेंस मिल गया, लेकिन उसके पहले अपना जो इंडस्ट्रीज था वो किसके कंट्रोल में था राधिका? अपना इंडस्ट्रीज किसके कंट्रोल में था? फॉरेन। फॉरेन कौन? फॉरेन चाइनीज जापानीज ब्रिटिशर बोले तो ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। अंडरस्टैंड द फैक्टर्स दैट लीड टू द अंडर डेवलपमेंट। और ब्रिटिश के टाइम में ना पूरा अंडर डेवलपमेंट हो गया था, यानी जैसा होना चाहिए था वैसा हुआ नहीं। ठीक है। तो ब्रिटिश के टाइम में अपना इकोनॉमी पूरा रुइन हो गया। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कैसे क्या हुआ। इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या टॉपिक कवर करना है। सबसे पहला क्या लिखा हो देखो, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो स्थिति था बहुत ही ज्यादा खराब था। हाई लेवल तो सोचा ही नहीं जा सकता था, अपने इकोनॉमी सर्वाइव कर गया वो बहुत बड़ा बात है। उसके बाद एग्रीकल्चरल सेक्टर ले लो, इंडस्ट्रियल सेक्टर ले लो, फॉरेन ट्रेड ले लो, सारा का सारा जो सेक्टर था उस पर एक एडवर्स इफेक्ट पड़ा। डेमोग्राफिक कंडीशन एक वर्ड लिखा हुआ है ना ऋषभ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोग्राफिक? ऋषभ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोग्राफिक? नहीं आता हमको। एनीवन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोग्राफिक? डेमोग्राफिक से क्या समझते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोग्राफिक? नहीं पता। डेमोग्राफिक मतलब होता है रिलेटेड टू पॉपुलेशन। क्या होता है? रिलेटेड टू पॉपुलेशन, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट द बर्थ रेट, आई एम टॉकिंग अबाउट द डेथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन, उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक। ओके। देन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब कौन से लोग एग्रीकल्चर में काम करते थे, कौन से लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड थे, कौन कहाँ जॉब करता था। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द लास्ट पॉइंट हर्षित, व्हाट इज द लास्ट पॉइंट? द लास्ट पॉइंट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। वी आर वेरी मच फैमिलियर विद दिस वर्ड, इट मींस रोड, रेलवे, ट्रांसपोर्ट, ब्रिज। तो अपने ये सब पढ़ेंगे ब्रिटिश के टाइम में कैसा क्या था और उसके बाद में क्या हुआ। तो सबसे पहले देखो इंट्रोडक्शन। तुमको पता है होता क्या था एट दैट टाइम? ब्रिटिश लोग इंडिया से रॉ मटेरियल लेके जाता था, यानी दे यूज टू एक्सपोर्ट द रॉ मटेरियल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इंडिया से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होता। देखो जो बड़ी बड़ी जहाजें हैं वहां में भर भर के रॉ मटेरियल जाता था। और होता क्या था, उस रॉ मटेरियल से वो लोग अपने कंट्री में क्या बनाता था, वो लोग बनाता था फिनिश गुड्स। क्या बनाता था? फिनिश गुड्स। और उस फिनिश गुड्स को वापस कहां भेज जाता था, कहां भेज देता था? दे यूज टू सेल दोस फिनिश गुड्स इन इंडिया। तो इससे क्या हो रहा है, सस्ता दाम में गवर्नमेंट तो कॉलोनियल गवर्नमेंट था, ब्रिटिश गवर्नमेंट था, तो सस्ता दाम में वो लोग रॉ मटेरियल यहां से ले जाता था बिना कोई टैक्स दिए या कम टैक्स दिए। और उसके बाद जब वापस इंडिया में उसको सेल किया जाता था ना फिनिश गुड्स, तो उस पे हाई रेट ऑफ टैक्सेस लगाता था। तो अल्टीमेटली इसमें फायदा किसका हो रहा था, किसका हो रहा था? ब्रिटिश। ऑब्वियसली ब्रिटिश का। ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी रुइन हो गया ना। तुमको पता है इंडिया का जितना कॉटेज इंडस्ट्रीज था, जितना हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज था, सब बेकार हो गया। ठीक है। उनका मेन क्या मोटिव था? हाँ, एक्सपोर्ट्स बढ़ा इंडिया का रॉ मटेरियल का, लेकिन वो एक्सपोर्ट्स बढ़ने के बाद भी नेगेटिव इम्पैक्ट आया। क्यों? क्योंकि इंडिया को अल्टीमेटली फिनिश गुड्स भी अब ब्रिटिश से लेना पड़ रहा है। लोकल मार्केट जो था इंडिया का वो खत्म हो गया। साक्षी, हर्षित, राधिका एंड ऋषभ, आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। वेरी गुड। चलो नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द वर्ड कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म मतलब होता है ब्रिटिश का रूल। इट रिफर्स टू अ सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टू कंट्री, तो वो अपने लिए तो इंडिया और इंग्लैंड का बात हो रहा है उस टाइम। इन जनरल कोई भी दो कंट्री हो सकता है, बट सिंस इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश रूल, ब्रिटेन बोले तो इंग्लैंड, तो इसलिए यहाँ पे जो दो कंट्री का बात हो रहा है वो एक है इंडिया और एक है इंग्लैंड। इंग्लैंड ऑफ विच वन इज द रूलर और दूसरा उसका कॉलोनी है। और सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, जो रूलिंग कंट्री है, अपने एग्जाम्पल में रूलिंग कंट्री इंडिया था ना ब्रिटेन था? ब्रिटेन। तो द रूलिंग कंट्री नॉट ओनली हैज पॉलिटिकल कंट्रोल, मतलब पॉलिटिकल कंट्रोल तो था ही था,
उसके साथ साथ जो इकोनॉमिक पॉलिसी था ना, वो भी सारा किसके कंट्रोल में था? ब्रिटिश के कंट्रोल में था। अब आपके वर्ड में आना चाहिए सर इकोनॉमिक पॉलिसी बोले तो इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू प्राइस फिक्सेशन। जो प्राइस फिक्सिंग का अथॉरिटी था वो किसके कंट्रोल में था? ब्रिटिश के। और पॉलिटिकल का बात करें तो रिलेटेड टू लॉ बनाना, रूल्स बनाना, रेगुलेशंस बनाना, तो ऑल वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ इन केस ऑफ इंडिया, लास्ट पॉइंट, द अनइक्वल रिलेशनशिप बिटवीन द कॉलोनी, कॉलोनी मतलब हो गया इंडिया जहां पे लोग रूल कर रहा है, और रूलिंग कंट्री क्या हुआ? ब्रिटेन। तो इससे इंडिया का धीरे धीरे डेवलपमेंट छोड़ो क्या होने लगा, रिजल्टेड इन द अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अपने कितना मूवीज वगैरह भी देखा था, लगान वगैरह देखा है क्या तुम लोग? तो वो सब सारा उसी के बेस पे तो बना है ना। चलो तो अभी सुनो मेरा बात। सबसे पहले देखो यहाँ पे दो स्लाइड दिखेगा तुमको, एक स्लाइड में देखो लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट ये कब का है, बिफोर ब्रिटिश रूल या ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? बिफोर। और अभी देखो उसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड होगा वो देखो, इसमें हम मैंने क्या बनाया, ड्यूरिंग। अभी हम लोग पहले बिफोर पे फोकस करेंगे कि पहले कैसा था और ड्यूरिंग मतलब उस दौरान कैसा था, ब्रिटिश के दौरान कैसे था। तो अभी एक चीज बताऊं तुमको, ब्रिटिश के पहले यार अपना इंडिया क्या सोने का चिड़िया माना जाता था कि नहीं माना जाता था? जाता था, बिल्कुल जाता था सर। यहाँ पे क्या नहीं था, सोने से भरा इंडिया का इंडस्ट्रीज कितना अच्छा डेवलप था, लेकिन वो लोग आया सब बर्बाद कर दिया। देखो इंडिया वाज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इन द फील्ड्स ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल, मेटल, प्रीशियस स्टोन, सब अच्छा था, है ना। लेकिन ये प्रोडक्ट जो था ये तभी तक अच्छा था जब तक किसका कंट्रोल नहीं था, जब तक ब्रिटिश, ब्रिटेन। दिस प्रोडक्ट एंजॉयड अ वर्ल्ड वाइड मार्केट बिकॉज ऑफ रेपुटेशन ऑफ फाइन क्वालिटी, मटेरियल्स बहुत अच्छा था अपने आप, है ना, मटेरियल अच्छा था, तभी तो ब्रिटिश यहाँ से क्या लेके जाता था, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड बना के बेचता था। एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्टमैन सीन इन ऑल इम्पोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, सब क्या होता था, एक्सपोर्ट होता था रॉ मटेरियल और इम्पोर्ट होता था फिनिश गुड्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सब अच्छा था बट बिफोर। अब सुनना मेरा बात, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल तुमको पता है ना, स्लाइड में सारा नेगेटिव लिखने वाला ना पॉजिटिव, बताओ तो स्लाइड में सब कुछ नेगेटिव, बिल्कुल नेगेटिव, ठीक है। अच्छा राधिका आपको ये जो पीपीटी है ये चाहिए क्या क्लास के बाद, क्योंकि मेरे को लगता है पढ़ने में सुविधा होगा ना। हाँ राधिका कहाँ गई वो? हाँ सर पीपीटी चाहिए क्या? कहीं नहीं सर, यहीं पे तो है। ठीक है हर्षित तुमको चाहिए क्या? हाँ सर एकदम। ठीक है 20,000 रुपया पेटीएम कर देना। राधिका चुप हो गए, उसको समझ में आया सर कुछ बोलने वाले। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सुनना क्या बोल रहे हैं। ऑब्वियस आप आते हैं ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल तो डेवलपमेंट बहुत कम था। द इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक का मतलब बताया था ना, रिलेटेड टू क्या, रिलेटेड टू द फिक्सेशन ऑफ प्राइजेस। द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वे कंसर्न्ड, सुनना मेरा बात, मोर विद द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ देयर इकोनॉमिक ऑफ देयर होम कंट्री। उनका होम कंट्री कौन सा है? उनका होम कंट्री तो इंग्लैंड, इंग्लैंड, ब्रिटेन। तो उनका जो मेन फोकस था वो अपना ही इंडस्ट्री का, होम कंट्री का प्रोटेक्शन करना, प्रमोट करना था, रेदर देन विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। कोई इंडिया का कोई फोकस ही नहीं था। तो इसके कारण क्या हुआ, देखो जो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री, अपना कंट्री का बात हो रहा है इंडिया का, इंटू अ नेट सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, इंडिया खाली वही बन के रह गया, एंड अ कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटेन, है ना, ठीक है। अपना कंट्री जस्ट एक्सपोर्ट कर रहा था, रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहा था, फिनिश गुड यही बन के रह गया। और कंट्री का जो ग्रोथ रेट था, सुनना मेरा बात, फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द पीरियड फ्रॉम 1901 से लेके 1950 वाला पीरियड ना, 20th सेंचुरी चालू हुआ तो वो 50 साल 1900 से 1950 वाला, तो शुरुआत में वो था देखो कितना, वॉज लेस देन 2%, इतना कम था। एंड ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल आउटपुट वॉज ओनली 0.5%, मतलब कैपिटल जिस रेट से बढ़ रहा था वो खाली और खाली 0.5% था, और ग्रोथ रेट खाली 2% था, क्योंकि वो 50 साल तो अपन किसके कंट्रोल में, एक्चुअली हम लोग 200 साल किसके कंट्रोल में थे, इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल फॉर मोर देन 200 ईयर्स,
तो शुरुआत का, बट ये लोग लास्ट का फेज बोला है, जो जहां पे आजादी मिल गया था तो उस टाइम का लास्ट का जो 50 साल था वहां पे ग्रोथ रेट बहुत कम हो गया था, 2%, और कैपिटल का जो बढ़ने का रेट था वो खाली कितना हो गया, 0.5%। आपके मन में सवाल आना चाहिए क्या सर ये डेटा भी हमको याद रखना पड़ेगा? बिल्कुल रखना पड़ेगा, ये तो पहला चैप्टर है, याद हो जाएगा, बट आगे और डेटा मिलेगा तो यू हैव टू मग अप ईच एंड एवरी डेटा, सारा लर्न करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। चलो नेक्स्ट स्लाइड सुनना क्या बोल रहे हैं। एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम ड्यूरिंग द कलोनियल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। द कलोनियल गवर्नमेंट नेवर मेड सिंसियर अटेम्प्ट टू एस्टिमेट द इंडियाज नेशनल इनकम एंड पर कैपिटल इनकम। ऑब्वियस बात है उस टाइम का जो गवर्नमेंट था विच वॉज किसका था, विच वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश, तो दे डिड नॉट फोकस ऑन इंडियाज नेशनल इनकम, दे वर नॉट कंसर्न अबाउट द पर कैपिटल इनकम ऑफ इंडिया, ठीक है, दे वर जस्ट कंसर्न विद देयर ओन कंट्री, उनका मेन फोकस उनका ही कंट्री था। लेकिन हाँ कुछ कुछ अपने आप जो लोग थे जो कोशिश किए कि हाँ इंडिया का नेशनल इनकम में जानना जरूरी है, तो उसमें से कुछ एक का नाम दियो, देखो कौन कौन उसमें से, ऋषभ, रीड द नेम्स, दोज हु एक्चुअली मेड सिंसियर अटेम्प्ट, हु वेयर दोज पर्सन, दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले श्रेयस, वीके आरवी राव एंड आरसी देसाई। तो कुछ एक ये लोग ऐसे थे जो एक्चुअली सीरियस अटेम्प्ट्स किए, कोशिश किए कि हाँ इंडिया का भी नेशनल इनकम कैलकुलेट होना चाहिए। अच्छा सुनना मेरा बात, अब तीन सेक्टर होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर में कौन सा सेक्टर आता है साक्षी? प्राइमरी सेक्टर में कौन सा सेक्टर आता है? एग्रीकल्चर एंड, वेरी गुड। प्राइमरी सेक्टर में बेसिकली एग्रीकल्चर आता है। तो इंडिया इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल रिमेन्ड फंडामेंटली एग्रेरियन, मतलब पूरा एग्रीकल्चर बेस्ड था, ब्रिटिश के टाइम से एग्रीकल्चर बेस्ड था, अभी भी काफी पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करता है। और उस टाइम कितना परसेंट, देखो कितना, अबाउट 85% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन लिव्ड इन विलेजेस, दे यूज टू लिव ऑन एग्रीकल्चर, पूरा एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे एग्रीकल्चर सेक्टर में ब्रिटिश के टाइम में स्टैग्नेशन और डिटोरेशन आने लगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है दे एक्सप्लॉयटेड ईच एंड एवरी सेक्टर ऑफ इंडिया, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो तुम्हारा थोड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, तो वो लोग जस्ट ये सब सेक्टर यूज करता था अपने पर्सनल गेन के लिए। तो ये था एग्रीकल्चर सेक्टर। देखो वहां का एक सीन है, तुम लोग देखो ये वाला जो बड़ा वाला राइट वाला इमेज है, देखो किस तरह से एक्सप्लॉयट किया जा रहा है लोगों को, ठीक है। चलो ये तो हर्षित का फेवरेट मूवी है लगान, मदर इंडिया। चलो हर्षित कितना बार देखा है लगान? नहीं देखा हुआ है। एक बार देखो, ये देखने लायक मूवी है। चलो हमको भेज दीजिएगा सर, मूवी देख लेंगे पक्का। तो हाँ सर, चलो ठीक है, पक्का भेज देंगे। नाउ रीजंस फॉर स्टैग्नेशन, ये जो गिरावट आया धीरे धीरे सब एग्रीकल्चर सेक्टर वगैरह में जो गिरावट आया वो क्यों आया? सबसे पहला लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम होता क्या हम तुमको बताते हैं। सबसे पहले क्या होता है, देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में ना जो लोग काम करता था वो किसान था, तो फार्मर्स लोग को काम करना पड़ता था। और अगर फार्मर्स लोग को क्या रूल था ना वहां पे, कि वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको कुछ प्रोडक्शन जो है अपना जमींदार लोग को देना पड़ता था। अगर फार्मर लोन ले रहे हैं तो उनसे ह्यूज रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाता था। तो ये सब प्रॉब्लम्स था। देखो इन द जमींदारी सिस्टम विच वॉज इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, द प्रॉफिट जो था वो किसको मिल जा रहा है? देखो द प्रॉफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू जमींदार्स इंस्टेड ऑफ द कल्टीवेटर्स। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कल्टीवेटर्स मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दोज हु आर फार्मर्स। बट वो सारा प्रॉफिट फार्मर्स को मिलता था क्या राधिका? नहीं ना, किसको मिलता था सर? इंग्लैंड मतलब ब्रिटिशर्स लोग को मिलता था। यहाँ पे ब्रिटिशर वर्ड लिखा हुआ है, कौन सा वर्ड लिखा हुआ है? द प्रॉफिट वेंट टू द फोर्थ लाइन में क्या लिखा हुआ है? Went to the agricultural sector, went to the जमींदार्स। हाँ जमींदार्स को मिलता था, जो एक्चुअली वहां पे जो वहां के जो लैंड ओनर्स है ना, तो वो लोग बेसिकली दे आर कॉल्ड जमींदार्स, ठीक है। तो उनको मिलता था, लैंड ओनर्स भी वहां पे सब ब्रिटिश के कंट्रोल में था सारा। द मेन इंटरेस्ट ऑफ द जमींदार्स वॉज ओनली टू कलेक्ट रेंट रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कल्टीवेटर। जस्ट कैसे भी करके उनसे रेंट लिया जाए, जो उस लैंड पे काम कर रहा है बस उनको निचोड़ ले, उनसे रेंट ले ले, और उनका कोई मोटिव नहीं है।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर हम डिस्कस करेंगे. देखो क्या लिखा हुआ है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. तुम्हारा नेक्स्ट स्लाइड वही है देखो, है ना, तो उसको हम उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है. उसके बाद देखो थर्ड पॉइंट क्या है, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज. ऑब्वियस बात है, उस टाइम क्या ट्रैक्टर वगैरह इतना था या टेक्नोलॉजी इतना डेवलप था नहीं था, तो धीरे धीरे एग्रीकल्चर सेक्टर क्या हो रहा था उस टाइम, कम हो रहा था ना, डेवलपमेंट नहीं था, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं था और नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स. तो ये जो सारा पॉइंट्स है, दीज आर द रीजंस फॉर स्टैग्नेशन. देखो अभी मैं स्लाइड हटा के तुम लोग से पूछ रहा हूँ क्या क्या रीजंस फॉर स्टैग्नेशन है, देख लो एक सेकंड के लिए, मैं इंडिविजुअली पूछूंगा सबसे. मैं हटा रहा हूं, 3, 2, 1 गो. चलो सबसे पहले मेरे को दो पॉइंट साक्षी बताओ, फिर दो पॉइंट ऋषभ. सर कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. वेरी गुड, कमर्शियलाइजेशन का मतलब है एक्सप्लेन. हर्षित. हाँ सर. दो पॉइंट सर आप मेरे को बोलते हैं, क्या क्या दो पॉइंट है बोलो. कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया. हाँ सर आप मेरे को बोलते हैं. हाँ सर बोलो. सर बोलो. एक तो है स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, फर्टिलाइजर का कम, या ये वाटर का कम यूज था, और ये एक तो ऐसा है ये इरिगेशन फैसिलिटी नहीं था, प्रॉपर फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज नहीं होता था, टेक्नोलॉजी खराब था, ये सब ठीक है. और जमींदार का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था. चलो अभी सुनना मेरा बात, मैं क्या बोलो, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट एग्जाम में इस बार आएगा क्या, व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. ये समझाने से पहले मेरा एक सवाल है, ओपन टू ऑल, जिसको आएगा बताएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स, एनीवन. सर हम बोले. हाँ ओपन टू ऑल. सर फूड क्रॉप्स वो होता है जो मतलब जो फार्मर है वो उगा के खुद कंज्यूम करता है, और कैश क्रॉप्स वो उगाता है और फिर उसको बेचता है. वेरी गुड. कैश क्रॉप जो होता है उसका मोटिव मैं बोलू कमर्शियल हो गया, बेचना. फूड क्रॉप्स का मोटिव कमर्शियल नहीं होता है ना, वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए होता है. वेरी गुड. तो अब हुआ क्या, फार्मर्स लोग ना क्या करता था पता है, जो पीजेंट्स लोग, जो फार्मर्स लोग है ना, उनको ज्यादा पैसा देके बोलता था भाई तुम वो क्रॉप्स बनाओ जिसको मार्केट में बेचा जा सके. तो धीरे धीरे लोग एग्रीकल्चर का धंधा बना लिया. क्या बना लिया, एग्रीकल्चर का धंधा. कैश क्रॉप ज्यादा होने लगा, फूड क्रॉप्स कम होने लगा. तो ये जो सिस्टम है जहां पे एग्रीकल्चर को एक कॉमर्स के रूप में देखा गया जिसका बिजनेस हो सकता है, इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. मतलब रिडक्शन इन विच क्रॉप्स, विच क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स, एंड इंक्रीज इन विच क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स. देखो कैश क्रॉप. वेरी गुड, लेट्स रीड दिस स्लाइड प्रॉपरली. द ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट वेर ऑलवेज इन द नीड ऑफ रॉ मटेरियल. क्यों, क्योंकि वो लोग तो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता था, कॉटन, इंडिगो, जूट, ग्राउंडनट, सुगरकेन, ताकि उनका फैक्ट्रीज वहां पर चलता रहे. बाय ऑफरिंग हायर प्राइजेस द इंडियन पीजेंट्स वर अट्रैक्टेड टू प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स. तो द एक्सटेंट ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर वेंट सो फार एज टू मेक मेनी पीजेंट्स परचेज देयर फूड रिक्वायरमेंट फ्रॉम शॉप इन टाउन. हे भगवान, मतलब ऐसा स्थिति आ गया, वो लोग इतना कैश क्रॉप्स ही बना रहे कि उनको अपना भी खाने का जो फूड क्रॉप्स है वो भी टाउन से खरीदना पड़ता था. नहीं तो पहले क्या होता था, वो लोग खुद ही बना लेता था ना. अब ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि उनका मेन फोकस किस पे हो गया है, किस पे हो गया है, कैश क्रॉप्स पे. तो दिस फॉल इन प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रीक्वेंट फेमाइंस इन इंडिया. ग्रोइंग ऑफ कैश क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स इज कॉल्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दिमाग में घुसा. नेक्स्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना मैं क्या बोलूं. देखो ऐसे तो मैं बोलूं जितना बर्बाद अपना एग्रीकल्चर सेक्टर हुआ उतना इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं हुआ, लेकिन हाँ ऑब्वियस सा बात है, कोई भी कंट्री का बेस पहले एग्रीकल्चर ही होता है. अगर एग्रीकल्चर ही नहीं होगा तो फैक्ट्री सेटअप होगा नहीं होगा. अरे कॉटन टी शर्ट बनता है फैक्ट्री में, लेकिन कॉटन कहाँ से मिलेगा, एग्रीकल्चर से ना. एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर सेक्टर अगर प्रॉपरली डेवलप नहीं होगा तो डायरेक्ट इंपैक्ट कौन सा सेक्टर पे आएगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे आएगा. तो नाउ लेट्स रीड, इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस. ऑब्वियस सा बात है, जब एग्रीकल्चर नहीं बना पाया
तो ये कहां से बनाएगा ब्रिटिश रूल के अंडर में. इवन द कंट्रीज वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट डिक्लाइंड, जो खुद का उनका हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था इंडिया का बेकार हो गया, कोई और मॉडर्न इंडस्ट्री सेटअप नहीं हुआ. तो इसके कारण दिस सेक्टर को क्या जरूरत था, अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर को जरूरत किस चीज का था, थोड़ा मॉडर्नाइजेशन का, मतलब कुछ न्यू होने का, डाइवर्सिफिकेशन का और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज का. तो ये सब कुछ नहीं हो पाया. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये जो सारा डाइवर्सिफिकेशन था ये सब कुछ नहीं हो पाया. ठीक है, नाउ इंडस्ट्रियल सेक्टर का एक इमेज देखो यहाँ पे. ये उस टाइम का देखो पॉल्यूशन, देखो फोर्थ इमेज में. ठीक है, ये देखो दो जन खड़ा है यहाँ पे, देख लो क्या देख रहे लोग. चलो सुनना, द प्राइमरी मोटिव बिहाइंड दिस पॉलिसी ऑफ डिस इंडस्ट्रियलाइजेशन. एक चीज बताओ ना, यहाँ पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ वो कौन किया, कौन करके चला गया इंडिया में? ब्रिटिश. तो उनका क्या क्या मोटिव था, देखो मोटिव नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितना लिखा, बहुत सारा लिखा हुआ है ना. तो सबसे पहले देखो पहला मोटिव क्या था, टू रिड्यूस इंडिया टू द स्टेटस ऑफ, खाली वो क्या इंडिया क्या करे, खाली एक्सपोर्ट करे क्या चीज का, रॉ मटेरियल का, है ना, रॉ मटेरियल. दूसरा कि भैया इंडिया एक्सपोर्ट करे और ब्रिटिश फाइनली क्या बनाए, उसका फिनिश प्रोडक्ट बनाए, वो हो रहा था. और उसके बाद रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज लो, ऑब्वियस सा बात तो होना ही था क्योंकि कॉलोनियल गवर्नमेंट पूरा अपने कंट्रोल में रखा था. एक एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 4 क्या, देखो ध्यान सुनना, द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन्फोर्स्ड ये वाला पॉलिसी कौन सा, देखो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी. ये ऐसा पॉलिसी है जहां पे वो लोग रॉ मटेरियल ना इंडिया से बिना कोई टैक्स दिए लेके जा रहा था, और जब इंपोर्ट कर रहा था तो बिना कोई टैक्स दिए वो लोग इंपोर्ट कर दे रहा था फिनिश गुड्स. तो ये वाला खाली किसको फायदा पहुंचा रहा था कि तुम बिना टैक्स लिए एक्सपोर्ट कर लो, बिना टैक्स दिए इंपोर्ट कर लो, किसको फायदा दे रहा था ये, ओनली टू द ब्रिटिशर्स. तो ये ऑब्वियस बात है, ये लोग ऐसा करता था कि उनका कॉस्टिंग कम पड़े जब लेके जा रहे तो, और उसको हाई प्रॉफिट्स में बेचे. तो इस पॉलिसी को क्या बोलते हैं साक्षी, व्हाट इज दिस पॉलिसी कॉल्ड, दिस पॉलिसी इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी. वेरी गुड. नाउ द डिक्लाइन ऑफ द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज क्रिएटेड मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट. भैया लोगों को काम कहाँ मिलेगा, जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ही नहीं देगा तो पीपल विल नॉट गेट वर्क. तो इसीलिए द फॉल इन सप्लाई ऑफ लोकली मेड गुड्स क्रिएटेड अ डिमांड फॉर द इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स. धीरे धीरे क्या हो रहा है, अपने आप गुड्स नहीं बन रहा है तो अपने को कौन सा गुड्स यूज करना पड़ेगा, वो गुड जो इम्पोर्ट हुआ हुआ है, फिनिश गुड जो ब्रिटिश ला के दिया. तो इससे एडवांटेज खाली ब्रिटिश को मिलेगा, हम लोग को नहीं मिलेगा. तो ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट वाज़ द प्राइमरी मोटिव बिहाइंड द पॉलिसी ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय द ब्रिटिश. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कितना पॉइंट हो गया, 6 पॉइंट. नाउ अब जो स्लाइड है बहुत इजी इजी है, सारा था तो सारा इजी बट अब फटाफट हो जाएगा. देखो नाउ वी आर मूविंग टू फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड मतलब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. एक चीज बताओ ना, ब्रिटिश के टाइम में मैं बोल रहा हूँ ठीक है एक्सपोर्ट होता था रॉ मटेरियल का उनके फायदे के लिए, लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ऑब्वियस बात है फॉर देयर एडवांटेज, बट हाँ एक्सपोर्ट तो बढ़ा इंडिया का. देखो इंडिया हैज बीन एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एंशिएंट टाइम, लेकिन उनका जो पॉलिसी था रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी था वो अपने को एडवर्सली अफेक्ट किया, मतलब खराब किया, बिकॉज एवरीथिंग वॉज फॉर देयर ओन बेनिफिट. वो लोग कॉटन लेके जाता, टी लेके जाता, टी तो इतना फेमस है सब लेके चला जाता और उसे फिनिश गुड्स बना बना के बेचता, कॉटन से कपड़ा वपड़ा जो भी है. ठीक है चलो उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखो यहाँ पे है ये वाला सुनना, थोड़ा इसको अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग क्या क्या वो लोग किया. सबसे पहले कॉम्पोजिशन ऑफ इंडिया ट्रेड बिके, ये नहीं होगा इंडिया नहीं होगा, कॉम्पोजिशन ऑफ इंडिया ट्रेड बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट. प्राइमरी प्रोडक्ट मतलब वही तुम्हारा जो बेसिक रॉ मटेरियल था, क्या क्या लेके जाता था, सिल्क, कॉटन, वुल, शुगर, इंडिगो, और वही से सारा वो लोग इंपोर्ट करता था फिनिश गुड्स. देखो फिनिश कंज्यूमर गुड्स इंपोर्ट होता था, एक्सपोर्ट होता था रॉ मटेरियल. देखो मैंने जो पॉइंट नंबर 2 बोला, एक्सपोर्ट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा ना. वॉल्यूम इंडियाज एक्सपोर्ट वेयर मोर देन इट्स इंपोर्ट. इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट से भी बढ़ गया, सो देयर वाज अ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस. एक्सपोर्ट सरप्लस हुआ but the entire advantage went to whom, the entire advantage went to the Britishers. Radhika, are you getting my point? Yes, Radhika, sir. Very good. This refers to the countries we are trading with Britain maintained a monopoly. Monopoly matlab kya tha, single control. ha yaar pura control to unhi ke hath mein tha,
इंडिया के हाथ में तो कुछ नहीं था, पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कंट्रोल पूरा ब्रिटिशर्स के हाथ में था। तुमको पता है उस टाइम जो अपना मोर देन हाफ ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन, मतलब अधिकतर जो लेन देन होता था उस हाफ से भी ज्यादा किसके साथ होता था, ब्रिटेन के साथ। ब्रिटेन और बाकी जो बचा कुछ है वो किसके साथ होता था, इसका नाम तो लेने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, चाइना के साथ, सेलोन के साथ, पर्शिया के साथ, ये सब के साथ, ठीक है। हम लोग एक कैनल भी ओपन कर दिया जिससे ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आसानी से हो। देखो लिखा उसका एडवांटेज क्या है, इट रिड्यूस द कॉस्ट एंड टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड मेड एक्सेस टू द इंडियन मार्केट इजियर, ताकि इजिली वो लोग इंडिया को एक्सप्लॉइट कर सके। इन अदर वर्ड्स द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडियन मार्केट वॉज नाउ वेरी मच इजियर। ये पूरा एक बैकग्राउंड है कि वो लोग क्या किया क्या नहीं किया। नेक्स्ट पॉइंट है इंडियाज फॉरेन ट्रेड जनरेटेड ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस। लेकिन एक चीज बताओ ना, ये सरप्लस तो आया लेकिन इससे एडवांटेज किसको मिला, ब्रिटिश को। तो मैं बोलू इंडिया का जो है एक बहुत ही ज्यादा कॉस्ट में ये सरप्लस आ रहा है, देखो, बट दिस सरप्लस केम एट अ ह्यूज कॉस्ट टू द कंट्रीज इकोनॉमी। पूरे इकोनॉमी तो बर्बाद हो गया, हैंडीक्राफ्ट बर्बाद, वो बर्बाद, तो इतना एक्सपोर्ट बढ़ा के फायदा कुछ मिला क्या, नहीं मिला। द एक्सपोर्ट सरप्लस, अब जो एक्सपोर्ट कमा रहे कौन कमाया, कौन कमाया, ब्रिटिश। तो वो लोग उसका क्या क्या यूज किया, देखो सबसे पहला वो लोग जो है ना अपना पेमेंट्स का जो खर्चा वर्चा था वो सबसे बियर करता था, जो लड़ाई झगड़ा वॉर होगा उसके लिए वो सब खर्चा सेट असाइड करता था। और एक और है इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स, अपने इनविजिबल आइटम्स को पढ़े हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में, याद है, विजिबल आइटम्स गुड्स को बोलते हैं और इनविजिबल आइटम्स किसको बोलते हैं, सर्विस को, जो दिखता नहीं है। तो अगर वो लोग कोई सर्विस इंपोर्ट करेगा ना तो उसके लिए भी वो एक्सपोर्ट का पेमेंट कहां से करता था, सर्विस अगर इंपोर्ट करेगा तो उसका पेमेंट एक्सपोर्ट सरप्लस से ही होता था, जो पैसा उधर से उधर करके लोग बना रहे तो उसका पेमेंट वो लोग ये सब चीज के लिए करता था। क्या क्या चीज के लिए, अपना एक्सपेंसेस के लिए, वॉर का पेमेंट के लिए, और अगर कोई इनविजिबल आइटम इंपोर्ट कर रहा है तो उसका पेमेंट भी एक्सपोर्ट सरप्लस से ही होता था, ठीक है। ऋषभ बोलो तो क्या क्या चीज के लिए एक्सपोर्ट सरप्लस यूज होता था, जल्दी से तीन चीज, सबसे पहला जल्दी जल्दी ऋषभ फटाफट, रॉ मटेरियल्स के लिए होता था, क्या रॉ मेटल कहां से, एक्सपोर्ट सरप्लस क्या चीज के लिए यूज करता था वो लोग, तीन पॉइंट है, तीनों पॉइंट बताओ, नहीं पता, प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता था सर, मार खाओगे। हर्षित, हाँ सर, सर वॉर मतलब जो वॉर झगड़ा लड़ाई झगड़ा होता था उसके लिए यूज करता था, फिर वो लोग का जो ऑफिस एक्सपेंसेस होता था, ऑफिस एक्सपेंसेस उसके लिए, और लास्ट पॉइंट कौन बोलेगा, साक्षी रादी का लास्ट पॉइंट क्या था, जल्दी से, इजी था, जल्दी जल्दी, व्हाट वाज द लास्ट पॉइंट, ऑन इनविजिबल ट्रेड, वेरी गुड। अगर इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम कर रहा है तो उसके लिए यूज करता था, ठीक है, देखो ये रहा, ठीक है, डन। ये देखो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, तो डेमोग्राफी का मतलब मैंने पूछा था तुम लोग का, तो ये देखो कोई एज हो गया, जेंडर हो गया, कितने मेल कितने फीमेल, लोगों का कितना इनकम है, ऑक्यूपेशन, कौन से लोग कौन से सेक्टर में इंगेज्ड है, एजुकेशन तो उस टाइम इंडिया का तो था ही नहीं, उसके बाद ज्योग्राफिक्स वगैरह, लोकेशन वगैरह, तो इसको डेमोग्राफिक बोलते हैं। तुमको एक चीज मैं बता दूं क्या, डेमोग्राफिक में इम्पोर्टेंट ये है, सर वो मतलब क्या था वो इमेज, क्या ये डेमोग्राफिक मतलब, का मतलब है कि डेमोग्राफी मतलब क्या होता है, डेमोग्राफी का मतलब होता है देश में कौन से एज के लोग रहते हैं, कितने मेल है कितने फीमेल, उनका क्या इनकम है, वो लोग कौन सा तरह का जॉब कर रहे हैं, तो इट्स ऑल अबाउट द पीपल, ठीक है। देखो द डेमोग्राफिक कंडीशन जो है ब्रिटिश के टाइम में पूरा बैकवर्ड चला जा रहा था, वेरियस डिटेल्स अबाउट द पॉपुलेशन वाज कलेक्टेड थ्रू अ सेंसस इन 1881 में एक सेंसस हुआ था, उसके थ्रू कुछ डिटेल मिला लोगों के बारे में। बिफोर 1921, सुनना मेरा बात, इंडिया वाज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। स्टेज क्या हो रहा है हम बता रहे हैं, द सेकंड स्टेज जो है वो 1921 के बाद से चालू हुआ, मतलब 1921 एक ऐसा ईयर है जहां पे थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। हाउएवर नीदर द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया नॉर द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एट दिस स्टेज वाज वेरी हाई, मतलब 1921 में क्या था, जो स्थिति था वो नॉर्मल था, पॉपुलेशन का जो ग्रोथ था वो भी ज्यादा नहीं था, और उसके बाद जो पॉपुलेशन का जो रेट वगैरह है नॉर्मल था, उतना ज्यादा नहीं था।
the year 1921 is described as the year of great divide. It is because 1921 के बाद ना population का जो रफ्तार है वो continuously क्या हो गया, बढ़ते चला गया. तो before 1921 everything was okay, ठीक था. क्या हो रहा था, population steady rate से grow कर रहा था, continuous उतना ज्यादा rapid नहीं था. लेकिन 1921 के बाद से जो growth rate था population में वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया. अब इसका क्या है, देखो कुछ फीचर्स है ये वाला. क्या था, देखो डेमोग्राफिक कंडीशंस ब्रिटिश के टाइम में लिटरेसी रेट कितना था, बहुत ही कम. कितना था, 16%. फीमेल लिटरेसी तो और भी कम था, 7%. मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा था. लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो था उस टाइम, लोग 35 साल में डेथ हो जाता था. लेकिन अभी वो कितना हो गया नॉर्मली, 68 years. मतलब 32-35 साल में उस टाइम लोग मर जाते थे, अभी कितना हो गया वो, 68 years. एक्सटेंसिव पॉवर्टी वाज प्रेजेंट, बहुत ज्यादा गरीबी था. और इस टाइम जो हेल्थ फैसिलिटीज था उस टाइम वो भी बहुत ही खराब था, इनएडुकेट था, लोगों को मिलता ही नहीं था. और वाटर से रिलेटेड डिजीज या एयरबोर्न डिजीज बहुत ज्यादा था. तो इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक, मतलब लिटरेसी रेट कितना, मरने का रेट कितना, जीने का रेट कितना, गरीबी कितना, हेल्थ फैसिलिटी कितना, ये सब. एक बार स्लाइड को देख लो, मैं स्लाइड से ऋषभ को और राधिका को क्वेश्चन करूंगा, कोई भी चार पॉइंट पूछूंगा. जल्दी से देख लो, जल्दी से फटाफट, ऋषभ राधिका जल्दी फटाफट. राधिका डन, कोई भी चार पॉइंट डन. राधिका अरे राधिका कुछ हाँ नहीं बोल रही, ठीक है. ऋषभ डन तुम्हारा? यस सर. ऋषभ डन? यस सर. ठीक है, चलो नहीं पूछेंगे, हटाओ, आगे बढ़ो. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, तीन सेक्टर होता है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी. प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर वगैरह. तो ये देखो, ये जो स्लाइड है इसमें ध्यान से तुमको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, खाली ये देखना है कि जो उस समय लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स था 70-75%, वो कौन से सेक्टर में एंगेज था हर्षित? कौन से सेक्टर में एंगेज था? एग्रीकल्चर. उसके बाद सर्विस सेक्टर में लोग कितने थे देखो, 15-20. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितने थे, 10%. हाँ, और ये ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ. एग्रीकल्चर सेक्टर में ध्यान सुनना ये पॉइंट देखो, देयर वाज अ डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ द वर्कफोर्स ऑन एग्रीकल्चर. जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, ये लोग जो है ना, सॉरी यहाँ पे देखो, देयर वाज अ डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ वर्कफोर्स ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर इन द पार्ट्स ऑफ द देन मद्रास प्रेसिडेंसी. प्रेजेंट डे में क्या क्या हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका. तो यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में उतना डिक्लाइन हो रहा था, डिपेंडेंस कम था इन सेक्टर में. कहाँ कहाँ पे, मद्रास वाले एरिया में, जो तुम्हारा तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये साउथ वाला. लेकिन कहाँ पे डिपेंडेंस ज्यादा था, महाराष्ट्र में और बंगाल में, ठीक है. एंड इंक्रीज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर. और देयर वाज एन इंक्रीज इन द शेयर ऑफ वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर इन द स्टेट सच एज. अच्छा, ये वाला जो सेक्टर है ना, एक मिस्टेक हो गया, ये वाला जो सेक्टर है कौन कौन सा देखो, मद्रास हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बंगाल हो गया, ये लोग एग्रीकल्चर पे उतना डिपेंडेंट नहीं था. ये लोग कौन सा सेक्टर में डिपेंडेंट था, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर. और ये जो उड़ीसा है, राजस्थान है, पंजाब है, यहाँ पे लोग किस पे डिपेंडेंट था, एग्रीकल्चर में. देखो वापस रिपीट कर रहा हूँ, देखो अपने इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में 70-75% डिपेंडेंट था, मैन्युफैक्चरिंग में 10, सर्विस सेक्टर में 15-20. कौन कौन से स्टेट्स का नाम लिया गया है जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था, वो है उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, ये सब. और कौन कौन सा जो नहीं था, जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस पे था, तो तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, बंगाल हो गया, ये सब सारा डिपेंडेंट नहीं था. किस पे डिपेंडेंट था, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर पे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट, साक्षी, हर्षित, ऋषभ, राधिका? डन. इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा एक चीज बताओ, तो तुम एक अपने हिसाब से बताना, ब्रिटिश लोग क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया कि नहीं किया, रेलवे वगैरह बनाया कि नहीं बनाया? तो देखो ये रहा, रोड्स वगैरह ये सब अच्छा था, रोड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट सारा अच्छा था.
बट ये लोग मेन क्या करता था, रोड वगैरह बनाया, क्यों तुमको पता है उनका पर्सनल मोटिव था क्या चीज के लिए, क्या करेगा, रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन। वेरी गुड, तो अपने फायदे के लिए बनाया। रेलवे जो है वो अपने लिए तो बनाया, किसके लिए, ताकि कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर करे, कैश क्रॉप जो है वो जितना ज्यादा से ज्यादा बेच पाए, फूड क्रॉप लेके जाए, तो सारा अपने ही फायदे के लिए बनाया। वो लोग खर्चा किया, इंडिया का एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम वगैरह बनाया, लॉ मेंटेन ऑर्डर किया, लेकिन हाँ ये सब का बेनिफिट अभी भी मिल रहा है, रेलवे वगैरह बेनिफिट मिल रहा है। जेम्स वॉट वगैरह जो स्टीम इंजन बनाया, तो अभी रेलवे वगैरह चल रहा है, तो ये बेनिफिट मिला है, हालांकि ऐसे एक्सप्लोइटेशन हुआ ही उस टाइम पे, ठीक है। और उसके बाद रेलवे का इफेक्ट तो तुम लोग को पता ही है, ठीक है, इंडिया का एक्सपोर्ट वगैरह बढ़ा है, ये उतना काम का नहीं है, उसको जस्ट रीड कर लेना, मैं स्लाइड भेज दूंगा। बट ये वाला लास्ट स्लाइड है देखो आज का, व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश। तो एक चीज बताओ, पॉजिटिव मैं बोलू, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, रेलवे बढ़ाया, है ना, पहला पॉजिटिव क्या है, दे इंट्रोड्यूस द रेलवे सिस्टम, दूसरा दे डेवलप द मॉडर्न सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन फैसिलिटीज बढ़ा, ब्रिटिश का टाइम ही सारा इंप्रूवमेंट हुआ, वरना आज नहीं होता। के बाद ऑर्डर वगैरह, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वगैरह सारा उस टाइम पे थोड़ा अच्छा हुआ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखो ना कब स्टैब्लिश हुआ, 1935, यानी इंडिपेंडेंस के पहले या बाद में, पहले। दे डेवलप इरिगेशन वर्क, तो ये सब कुछ कुछ फायदा मिला। और पॉलिटिकल सिस्टम को थोड़ा यूनाइट करके रखा। तुम अभी देखो ना, अभी हर स्टेट का अलग अलग गवर्नमेंट, ये वो, उस टाइम क्या था, तब कंट्रोल ब्रिटिश के हाथ में था, लेकिन इतना स्प्रेड नहीं था, और अभी बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गया, हर कंट्री हर स्टेट का अलग अलग हो गया। लेकिन क्या क्या डिसएडवांटेज है, सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है, इंडिया का ब्रिटिश के टाइम में पर कैपिटा इनकम बहुत कम था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था क्या वो मॉडर्न था, क्या मॉडर्नाइजेशन मिला उसको, कुछ नया हुआ नहीं, इट वॉज क्राइंग फॉर मॉडर्नाइजेशन, वो मॉडर्नाइजेशन के लिए क्राई कर रहा था, रो रहा था, कुछ नहीं था, कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं था, उल्टा एग्रीकल्चर सेक्टर भी बहुत बर्बाद हो गया। और लिटरेसी था क्या उस टाइम, लिटरेसी था क्या, नहीं, मास इलिटरेसी था। तो ये जो था, दीज आर द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन एंड दीज आर द नेगेटिव कंट्रीब्यूशन विच वेर डन बाय हुम, बाय द ब्रिटिशर, समझा मेरा बात, क्लियर हो गया क्या? हाँ सर। कंक्लूजन क्या हुआ, आफ्टर फिनिशिंग द चैप्टर स्टूडेंट विल कम टू नो कि सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या क्या था, तुम लोग समझा क्या क्या चैलेंजेस था, डन। और ये तुम लोग के लिए लास्ट, ये लास्ट तुम लोग के लिए देखो क्या, डन, समझा तुम लोग, चैप्टर क्लियर हुआ,